स्वयं कर्म सब नाश कर प्रगट निज भाव परमात्म सर्वज्ञ को वंदो कर शुभ भाव। पिछले दो दिवस से इष्टोपदेश ग्रंथ जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है उसकी 11 नंबर की जो गाथा है उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का हम लाभ ले रहे हैं। कल के प्रवचन में गुरुदेव श्री के में कई बिंदु बहुत महत्वपूर्ण आए थे, अति सिद्धांत से भरे हुए। उसमें से एक जो बात आई है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, क्योंकि वो कल निकल गया, आज मैं उसको लेता हूँ। क्या कहते हैं, जगत की चीज जो गे रूप से एक रूप है, आत्मा ज्ञाता रूप से एक रूप है। सरल शब्दों में थोड़ा लेते हैं, ज्ञाता एक रूप है और जगत गे एक रूप। जाननहार एक रूप है जानने वाला, और जानने योग्य जो गे है वो एक रूप है। उस एक रूप गे में जो द्विविध करता है, दो प्रकारता करता है गे एक रूप, और उसमें दो भेद करता है, ये ठीक है और ये अठीक है। गुरुदेव की भाषा में ज्ञाता एक रूप है। देखो किस तरीके से गुरुदेव श्री ने न्याय को प्रस्तुत किया। ज्ञाता एक रूप है, एक रूप माने क्या, जानना है, बस जानने वाला। तो गे भी कैसा होना चाहिए, जाननहार का एक रूप होना चाहिए, लेकिन अज्ञानी उसमें दो भेद कर देता है, एक ये गे ठीक है और ये गे अठीक है। ठीक गे में राग करता है, जिस समय कोई गेयों में राग करता है तो उसी समय पर द्वेष भाव व्यक्त पने नहीं दिखाई देता, जिसको गुरुदेव श्री ने संस्कृत की टीका के आधार से कहा था कि द्वेष शक्ति रूप रहता है। जब द्वेष व्यक्त रूप दिखाई देता है तो राग व्यक्त पने नहीं दिखाई देता, लेकिन राग शक्ति रूप से रहता है। उससे ये आचार्य देव ने जो बात दी वो गुरुदेव श्री ने हमको बताई कि ऐसा नहीं होता कि इकला मात्र राग रहे और उसको उसी समय पर अन्य गेयों के प्रति द्वेष न हो, ऐसा नहीं। द्वेष अगर है तो राग होता है। आपके न्याय संबंध में अब विस्तार नहीं करना है आज मेरे को, बस थोड़ा सा ख्याल कर। इसके बाद
दो बिंदु इसमें से निकाले गुरुदेव श्री ने टीका में से निकाले, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी गे में भेद नहीं करता, अज्ञानी गे में भेद करता है ठीक और अठीक का। लेकिन ज्ञानी गेयों में ठीक और अठीक का भेद नहीं करता। पॉइंट आया समझ में? अब यहां एक जिज्ञासा खड़ी हो जाती है कि अगर गे में ठीक और अठीक ऐसे दो भेद नहीं है, गे भी एक रूप है और ज्ञान भी एक रूप है, तो ये अज्ञानी गे में ठीक और अठीक ऐसे दो भेद क्यों करता है, और ज्ञानी गे में ठीक और अठीक ऐसे दो भेद क्यों नहीं करता है? कौन पकड़ में आया? अब इसमें से जो उत्तर निकल करके आएगा वो सबसे पहले ये आएगा कि ज्ञानी किसको कहना और अज्ञानी किसको कहना, जबकि दोनों ही आत्मा है, दोनों का द्रव्य स्वभाव एक रूप है, एक नहीं एक रूप है। ज्ञानी का भी जो द्रव्य स्वभाव है वो भी ज्ञाता रूप है, सामर्थ्य स्वरूप है, शक्ति रूप है। अज्ञानी का आत्मा भी ज्ञाता है, दृष्टा है, सामर्थ्य स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। फिर ये ज्ञाता ज्ञानी है और ये ज्ञाता अज्ञानी है, ऐसा क्यों है? ज्ञाता तो ज्ञाता ही होना चाहिए, फिर ऐसा दो भेद क्यों है? ये भेद कहां से पड़ा? ज्ञाता का जो मूल स्वभाव है, मन मूल से जो द्रव्य स्वभाव है, उसमें तो ज्ञानी और अज्ञानी का कोई भेद नहीं पड़ता है। ज्ञानी और अज्ञानी का जो भेद पड़ता है वो कहां पड़ता है? पर्याय में पड़ता है। कहां पड़ता है? पर्याय में पड़ता है। बराबर ख्याल में आया? इसको थोड़ा सा तर्क से समझते हैं कि अगर ये ज्ञानी और अज्ञानी का भेद यदि पर्याय में ना पड़े और द्रव्य स्वभाव में पड़े, तो अज्ञानी का अज्ञान नाश हो जाएगा, बराबर है, और अज्ञान नाश होने पर ज्ञान प्रकट होएगा। पॉइंट समझ में आ गया? यदि ज्ञान और अज्ञान पर्याय में भेद यदि ना हो और मूल द्रव्य स्वभाव में ज्ञान और अज्ञान अगर ऐसे दो भेद पड़े, तो अज्ञान का नाश होने पर किसका नाश हो जाएगा? द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। इसलिए द्रव्य में ज्ञान और अज्ञान ऐसे दो भेद नहीं पड़ते हैं। एक बात तो तर्क से हमने ये समझी और ये समझा कि ज्ञान और अज्ञान का भेद कहां पड़ता है? पर्याय में पड़ता है। पर्याय में से अज्ञान का नाश हो जाता है और ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। बराबर ख्याल में आपको आ गया? अब अज्ञान किसको अज्ञान कहना, किसको ज्ञान कहना, ये बात अब कहां चल रही है? द्रव्य स्वभाव की नहीं चल रही, ये किसकी बात चल रही है? पर्याय भाव की, पर्याय का स्वभाव, उसका अपना भाव, उसमें बात चल रही है। वहां अज्ञान है और ज्ञान है, ऐसे दो भेद वहां पर मतलब ये पड़ते हैं। अब अज्ञान क्या और ज्ञान क्या, यही वाली बात तो है ना, बहुत सीधा सा सिंपल सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? एक पहले उदाहरण से फिर हम समझाएंगे आपको सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत थोड़ा सा क्लिष्ट पड़ेगा, कठिन पड़ेगा समझने में, इसलिए उसे सरल करने के लिए पहले हम क्या समझते हैं? उदाहरण समझते हैं, ठीक है? टेरेस पर, टेरेस समझ गए आप, छत पर मां की गोद में एक बालक लगभग 11 महीने का, 1 साल का गोद में बैठा हुआ था।
साथ ही थोड़ी दूर पर एक बड़े बर्तन के अंदर, बराबर ख्याल आ गया, उस बर्तन में पानी भरा हुआ था। इधर माँ, माँ की गोद में बालक, इधर बर्तन में पानी, ओके, भरा हुआ पानी बर्तन के अंदर, ठीक है। उसमें यद्यपि दिन का समय था, लेकिन उसमें वो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा, दिन में भी चंद्रमा तो होता है, भले सूर्य की रोशनी में वह आपको दिखाई ना दे, तथापि होता है। वो चंद्रमा उस पानी के अंदर झलकता था। आ गया, समझ में आया? पूरा पहले शॉट देख लो किस तरीके से सारा मंच पर चल रहा है, ओके, समझ में आ गया। इधर भी दो हैं और इधर भी दो, इधर दो कौन कौन है, बर्तन में पानी है और पानी में चंद्रमा है, इधर माँ है और माँ की गोद में बालक, ठीक है। जाड़े के दिन है, टेरेस पर माँ बैठी हुई है, ऐसा दिसंबर का लास्ट वीक है मंथ का, और माँ बैठी हुई है। अब चंद्रमा पानी में झलक रहा है, बालक की नजर पानी में जो चंद्रमा झलक रहा है उस पर नजर गई, किसकी? बालक की नजर गई, ख्याल में आते हैं। अब पवन से थोड़ा बहुत पानी के अंदर ऐसी लहर चलती थी, तो वो चंद्रमा ऐसा थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करता था, तो बालक का कौतूहल हो गया। बालक माँ की गोद से निकला, माँ तो स्वेटर बुनती थी, बालक जो है कोमल शरीर माँ की गोद से निकला और घोटू के बल जाकर के वह उस बर्तन पर पहुंचा जिसमें चंद्रमा झलक रहा था। उस बालक ने क्या किया, चंद्रमा को पकड़ना, उसको बराबर है पकड़ना। अब वो चंद्रमा बार बार पकड़े और उसकी पकड़ में, बहुत सही बात है, इतनी दूर चंद्रमा है, बालक कैसे पकड़ सकता है, लेकिन वो चंद्रमा तो पानी में बराबर झलकता था। अब वो हाथ मारे तो क्या होवे, पानी उछले और बालक गीला हो जावे। कुछ क्षण गुजरे होंगे कि माँ को ऐसा एहसास हुआ कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, कहाँ चला गया। अब आप तो समझो एक 11 महीने का बालक, घोटू चलने वाला, माँ की गोद से निकल करके आंख से ओझल हो जावे तो हार्ट फेल ही होना बाकी रह जाता है उसका। लेकिन माँ ने जो चारों तरफ देखा, और देखा तो क्या देखा, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अब वो सारा गीला हो गया, और माँ ने अपनी ही धोती के आंचल से उसका ऐसा, लेकिन उसने सोचा कि ये कर क्या रहा है। पैंट छोड़ में आया, माँ भी बहुत होशियार थी, है इंजीनियर प्लस एमबीए थी, दोनों डिग्रियां उसके पास, तो उसके पास इंजीनियरिंग भी थी और बिजनेस क्लास भी उसके पास थी। उनने कि देखो ये करता क्या है, तो माँ ने उसको चंद सेकंड के लिए ऐसे छोड़ दिया, और बालक की नजर तो उसी पर थी। उसने फिर जैसे ही पानी में चंद्रमा पकड़ने के लिए यूं हाथ मारा, तो माँ तो बहुत चतुर थी, तैयार बैठी थी, पानी तक हाथ नहीं जा पाया और माँ ने बालक का हाथ पकड़ लिया। बराबर समझ में आपके आ गया? माँ उसको उठा करके लाई और फिर उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। पॉइंट समझ में आया? मैं आपसे पूछता हूं, ज्ञान और अज्ञान क्या आया इसमें निकल करके? उदाहरण तो इतना बड़ा हो गया, अज्ञान क्या आया और ज्ञान क्या आया? बालक, हाँ मुझे पता है, बालक ने पानी में चंद्रमा झलकता था ना, तो पकड़ा, बराबर है। माँ ने ऐसा क्यों नहीं किया, माँ ने ऐसा क्यों नहीं किया और बालक ने ऐसा क्यों किया? अभी सारा सिद्धांत इस पर निरूपित करेंगे, पूरा का पूरा 100% उस पर ले जाएंगे हम।
पालकों के अलावा हमारे मेहमान बता सकते हैं? माने क्यों नहीं किया है? बराबर है। सुनो क्या हुआ, कोई और दूसरे भी ट्राई करेंगे? हाँ बराबर है, बालक को ज्ञान नहीं था, माँ को ज्ञान था। जस्ट एक्सप्रेस। आप कहेंगे क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, बता ही दो ना। ना मैं चाहता हूं थोड़ा ये चलना चाहिए, नहीं तो जंग खा जाएगा। हाँ, आप सबने अपने हिसाब से सही उत्तर दिया, लेकिन अभी बहुत सटीकता इसके अंदर चाहिए। क्या सटीकता चाहिए, आप में से कोई बताएंगे? अच्छा चलिए आप भी लीजिएगा, उधर से चलते हैं, लास्ट बेंच में से कोई बताएंगे? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाथ उठाइए कोई अगर बताना चाहते हैं तो, फिर समय बहुत कम है अपने पास। हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो बेटी। ज्ञान तो दोनों में ही है, लेकिन बालक को पहले ये लगा कि वो प्रतिबिंब में जो है उसको ज्ञान था कि वो ज्ञान है, मतलब उसमें ज्ञान तो है, उसमें प्रतिबिंब को समझा कि वहां कुछ है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो प्रतिबिंब है, इससे पहले अज्ञान हुआ। ये बहुत समीप पहुंच गई उत्तर की। क्या क्या समीप पहुंच गए उत्तर की? बालक ने यह जाना, यह समझा कि पानी में चंद्रमा है। बराबर है। आप कहेंगे 11 महीने का बालक क्या जाने कि चंद्रमा है, लेकिन समथिंग इज देयर। ऑल्दो ही डिडंट नो द नेम ऑफ द इमेज, इट इज ए मून इमेज, ओके, बट समथिंग इज देयर इन द वाटर। बराबर है। और माने जब पानी में चंद्रमा झलक रहा है उस समय पर बालक यह समझ रहा है कि पानी में चंद्रमा है। किस समय की बात है? जब पानी में चंद्रमा झलक रहा है उसी समय पर बालक यूं करके समझ रहा है कि पानी में चंद्रमा है। उसी समय पर माँ यह जान रही है कि पानी में चंद्रमा। ठीक है बिटिया जी, मैंने उत्तर सही दिया? क्या सही दिया उत्तर, अब आप बोलो तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। शाबाश। कि बालक ने ये समझा कि पानी में चंद्रमा है, नो डिटेल, पानी में चंद्रमा नहीं है, बस इतना, नो डिटेल एट ऑल। बालक ने, शाबाश, बहुत अच्छा, आप तो पहले उत्तर बहुत अच्छा दे दिया था, समीप एकदम थे आप उत्तर के। बालक ने क्या समझा यमन के पानी में चंद्रमा है? ये कब की बात है कि जब पानी में चंद्रमा झलक रहा है उसी समय पर बालक जान रहा है कि चंद्रमा है, और उसी समय पर माँ ये जान रही है कि चंद्रमा कब, जब पानी में चंद्रमा झलक रहा है तब।
बराबर ख्याल में आया? कौन सा ज्ञान ज्ञान है और कौन सा ज्ञान अज्ञान है? कि बालक का ज्ञान अज्ञान है और माँ का ज्ञान, कि बालक का ज्ञान, देखो शब्द बराबर सुनना, बालक का ज्ञान अज्ञान है और माँ का ज्ञान ज्ञान है। बालक का ज्ञान अज्ञान क्यों है? क्योंकि वह यह मान रहा है कि पानी में चंद्रमा है, प्रतिबिंबित होने से झलकने से ज्ञान अज्ञान नहीं है। नोट करो इस बात को, पानी में प्रतिबिंब माने चंद्रमा झलक रहा है, इसका नाम ज्ञान अज्ञान नहीं है। वो तो मां जानती है तब भी झलक रहा है और बच्चा जानता है तब भी झलक रहा है, तो फिर अज्ञान की क्या डेफिनेशन निकली और ज्ञान की क्या डेफिनेशन निकली? बस उतने शब्दों में हमको केवल जानना है, डिटेल बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ थोड़े से चंद शब्दों में निकालो ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा। आदिश यमन ये ऐसे छुप करके बैठता है चतुर सुजान आपका हर्षित भाई साहब हमारे, कि मौका लगे तो दिखा दूं अपनी शकल, नहीं तो अपन तो पीठ पीछे बैठे ही हुए हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो? बोलो बिटिया जी, आप में से कोई सटीक एकदम चंद शब्दों के अंदर ही बस काम खत्म होना है। शाबाश, बोलो बेटा। हमें क्या पता कैसा है कैसा नहीं है बेटिया, शाबाश बहुत अच्छे। हाँ वो पीछे से बिटिया ने उठाया, बोलो बेटे। नहीं वो लैंग्वेज नहीं, देखो यहां बहुत सीधा सा है। सीधा सा क्या है? चंद्रमा तो झलक रहा ही है, बस इतनी बात तो हो गई ना। अब ज्ञान और अज्ञान क्या है? वहां चंद्रमा का अस्तित्व मानना ये अज्ञान है और वहां चंद्रमा का अस्तित्व नहीं मानना ये। इतना। अब अपन गे गायक पर आ जाते, कुछ समझ में आया? पानी है, चंद्रमा उसमें झलक, आप बोले चंद्रमा नहीं झलकना चाहिए सर, चंद्रमा उसमें नहीं दे। भाई ये तो वस्तु का स्वरूप ही नहीं है, ज्ञान कहते ही उसको है, जो गे को झलकाए उसका नाम ही ज्ञान है, नहीं पत्थर थोड़ी झलकाता है। पॉइंट आ गया समझ में? आया बिंदु पॉइंट समझ में आया? क्यों आया? वो तो झलक ही रहा है, पानी में चंद्रमा तो झलक ही रहा है, लेकिन पानी में चंद्रमा नहीं है इसका नाम, और पानी में चंद्रमा है इसका नाम, पानी में चंद्रमा झलक रहा है इसका नाम क्या है? मुझे पता था ये गड़बड़ होने वाला है, इसलिए मैंने कहा था शब्दों को ध्यान से सुनो, शब्दों को ध्यान से सुनो, फिर से। अच्छा ये बहुत मूलभूत है, ये 14 भंग है परिशिष्ट में, समय साथ चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बोलता हूँ। परिशिष्ट में पीछे 14 भंग आते हैं और 14 भंग का वेश यही है, और जो अज्ञानता है मूल में वो यहां हो रही है, यहां हो रही है अज्ञानता और यहां से होता है ज्ञानी, और ये क्या कर रहा है? उसका लक्ष्य छोड़ूं, जे छोड़ूं, वो छोड़ूं, घर छोड़ूं, परिवार छोड़ूं, ये क्या क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं। बराबर है, मैंने आपको कहा था पानी में चंद्रमा झलकना ना ज्ञान है और ना, पानी में चंद्रमा मानना अज्ञान है और पानी में चंद्रमा नहीं मानना ज्ञान। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो सही उत्तर देगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा।
पानी में चंद्रमा झलक रहा है, बराबर है, बराबर है, वो ज्ञान है के नहीं है? ऐसे नहीं हाथ उठाना, केवल जल्दी मत करना, नहीं दंड भी मिलेगा उतना ही जितना बड़ा वो मिलना है तो। शाबाश, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ हाथ उठाओ, हाथ उठाए रहो, हाथ उठाए रहो, शाबाश शाबाश। मेहमान बोलता है, मेहमान को पहले प्रायोरिटी देनी पड़ जाएगी। बोलो, हाँ लिख लो के ज्ञान है, लिखो लिखो उस पर लिखो, ज्ञान है। हाँ, देख लो, पानी हमारी तो भैंस में जो चली गई, भैंस पानी में चली गई, इतनी दो दो तीन तीन बार समझा दिया कि वो अज्ञान है, बराबर है। दृढ़ नहीं, अभी पक्का नहीं हो रहा है। आप समझ गए मैं क्या पूछता हूं? रुचिका, तुम्हारी समझ में नहीं आया ना बिटिया? है अज्ञान है ना, लिखो लिखो लिखो, उत्तर लिखो, मेरा उत्तर। शाबाश, हाँ बोलो बेटी, ओ पीछे पीछे, हाँ या हाँ। ये क्या बोलती है? ना ज्ञान है और ना लिखो लिखो लिख लो, याद ही नहीं रहेगा आपको यहां से जानने के बाद, लिख लो। अब ज्ञान और अज्ञान क्या है? अपर क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं? अभी जब उदाहरण से ही समझ में नहीं आ रहा है, सिद्धांत कैसे समझ में आएगा? हाँ तुम बोलो बिटिया जी, ये सेकंड। कमाल की बात है, जब पानी में चंद्रमा झलक रहा है, फिर पानी में चंद्रमा का अस्तित्व नहीं माना यह ज्ञान है, और पानी में चंद्रमा का अस्तित्व माना यह ज्ञान। अरे झलक रहा है, साफ तो दिख रहा है कि है उसके अंदर चंद्रमा पानी में। ए बिल्कुल सही बोलती है, जोरदार तालियां बजाओ उसके लिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सिद्धांत पर चलें, सिद्धांत घटित करें अब इस पर, ठीक है? सिद्धांत घटित करते हैं अब इस पर। देखो सिद्धांत किस तरीके से, पानी के स्थान पर क्या है? आत्मा, ज्ञान, बराबर है। पानी के स्थान पर क्या है? ज्ञान, ओके। अब चंद्रमा के स्थान पर क्या लेंगे हम? ये बाहर वाला गे की अभी बात करेंगे, अंदर की गे की, ज्ञान की और ज्ञाता की बात अभी यहां अभी स्पर्श नहीं करते, ठीक है? बाहर का गे, बराबर, ख्याल में आया? ठीक है, अब यूं मान करके चलो, यूं मान करके चलो, अभी इवनिंग में मैं यहां से बाहर गेट के बाहर गया, इवनिंग से भी पहले की बात है, ऐसे करीब बात हुई कि ये ऐसे करीब डेढ़ बजे करीब की, तो फिर तो आफ्टरनून ही हो गया, अभी इवनिंग कहां से आ गई। वो डेढ़ बजे करीब मैं, क्योंकि वो धूप जो थी ना वो गेट के बाहर चली गई, तो मैं उधर चला गया, और मैं हार्डली 6-7 कदम ऐसे गया होऊंगा गेट से उसके उधर बाहर में गया, तो मुझे 2000 का नोट पड़ा होगा दिखाई दिया। बराबर हो गया। अब ये बताओ इसमें ज्ञान कौन है और गे कौन है? स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। आपको मैं क्यों ऐसे उदाहरण लेता हूं कि आपको रोचक लगे तो आपका उपयोग बराबर समझने में लगेगा, इसलिए बराबर है। इसमें गे कौन है? दो हजार का नोट क्या है? गे है, और उसको जाना किसने? ज्ञान ने, माने मैं, मैंने जाना, और वो 2000 का नोट क्या है? ये कैसा लगा मेरे को? आप कहोगे तो आपको ही पता है कि कैसा लगा, अगर आपको दिखता तो आपको कैसा लगता? ठीक लगता है कि अठीक लगता है?
ठीक लगाना, ठीक लगा के नहीं लगा। अरे भाई तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो, करेली वाले, आपको क्यों ठीक लगेगा? अगर ठीक नहीं लगा तो ठीक लगा, इसका मतलब ज्ञाता दृष्टा हो गई ना आप तो। सुनो, वह 2000 का नोट जानने में आया कि नहीं आया? वो क्या हुआ? ये। और मेरे ज्ञान के जानने में आया तो मैं क्या हुआ? ज्ञाता, जानने वाला। मैं जानने वाला और वो जानने में आने वाला। बराबर ख्याल आ गया? मुझे 2000 का नोट जैसे ही दिखाई दिया, सारे शरीर का अंगोपांग एकदम बिना अचल किए हुए अचल हो गए, और मैंने तत्काल ही झुक करके वो 2000 का नोट और उठा लिया। और उठाते के ही दौरान में जब तक मैं जेब में रखता तब तक मैंने अबाउट टर्न होकर के ये देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, और मैंने वो 2000 का नोट यहाँ पर रख लिया। ठीक है, क्या सोच करके रख लिया? क्या सोच करके रख लिया? अब ये किसका हो गया 2000 का नोट? मेरा हो गया। बराबर है? अब क्या वाकई में वो 2000 का नोट मेरे ज्ञान के जानने में आया या मेरे ज्ञान में ही आ गया? अस्तित्व जैसे जानने में आया, कौन? 2000 का नोट जानने में आया। यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि केवली भगवान के जानने में भी आ रहा है, वहां तक कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन मैंने क्या माना कि ये 2000 का नोट मेरा है, मेरा मेरा है, अपना अपना कर लिया, उसे क्या कर लिया? अपना कर लिया। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आया? उसे अपना करना के है, ये मेरा है, ये मैं हूं, उसे अपना कर लेना, इसका नाम क्या हुआ? अज्ञान। बालक की तरीके से। और ज्ञानी ने क्या किया? अपना नहीं माना, अपना नहीं माना। अब इसे राग पर घटित करेंगे तो किस तरीके से घटित करेंगे? कि ज्ञानी के भी राग उत्पन्न होता है और अज्ञानी के भी राग उत्पन्न होता है। ज्ञानी राग का जानने वाला है, अर्थात राग ज्ञानी का ये मात्र है, और अज्ञानी का जो राग उसने जाना तो उसने क्या जाना? कि ये राग मैं हूं, मैं रागी हूं, ये मेरा है, मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। अब उसकी बहुत डिटेल गुरुदेव श्री ने बहुत कहा कि ज्ञानी राग का ज्ञाता है, जानने वाला है, ज्ञानी का घी है, वह उसमें दो भात नहीं करता कि ये ठीक है और ये अठीक है। अब ये बताओ कि वो ज्ञानी ठीक और अठीक क्यों नहीं करता? बहुत सीधी सी बात है ना, कि ज्ञानी ये ठीक है और ये अठीक है, ऐसा क्यों नहीं करता? सोचो थोड़ा। हाँ बोलो बेटा। हाँ, थोड़ा अस्थि से कथन करो, अच्छा होगा। गे की तरफ से कथन ना करके ज्ञायक की तरफ से कथन करो। हाँ हाँ बोलो। थोड़ा सा अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, थोड़ा थोड़ा सुधार करो। देखो अभी उसका अब एक दूसरा पहलू अब आपको दिखाते हैं। बैठ जाओ बेटिया। आपने भजन गाया होगा, ये सब ज्ञान की ही रचना। भजन कौन सा है वो?
भजन आता है ना, मुझ में ज्ञान ही ज्ञान भरा। बोलो, थोड़ा याद है आपको? हैं? हाँ हाँ जैसे पानी में वो जो झलक रहा है ना चंद्रमा, वहां वास्तव में चंद्रमा नहीं है, फिर वो क्या है, पानी की रचना है। ऐसे ही दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब झलक रहा है वह मुखड़ा नहीं है, वो दर्पण की स्वच्छता है। ये शब्द सुना के नहीं सुना? हाँ, ये उसकी स्वच्छता है। तो ज्ञानी ये जानता है कि मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान से लवालब भरा हुआ हूं। इसमें ये पर पदार्थ जानने में तो आते हैं, तो जो जानने में आते हैं वो ज्ञान के जानने में आते हैं, तो वह ज्ञान है, वह ज्ञेय वो ज्ञान है। ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञान में नहीं आया, वहां ज्ञान है, वो ज्ञान की रचना है, वो ज्ञेय की रचना नहीं है। ज्ञेय कहां रह गया? ज्ञेय में। उसका ज्ञान, उस संबंधी का ज्ञान ज्ञान में आया, तो ज्ञान जानने में आया। और असद्वत उभारने से अगर कहेंगे तो वह पर द्रव्य हमारे जानने में आया। असद्वत उभारने से क्यों कहा कि असद्भुत वो ज्ञेय का सतपना मेरे ज्ञान में नहीं है। ज्ञानी जानता है मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, उसमें ज्ञेय आते ही नहीं, उनका जानपना मेरे ज्ञान से होता है, लेकिन ज्ञेय उसमें आते नहीं है। जब वे आए ही नहीं ज्ञान में, जब वे पर पदार्थ ज्ञान में, ज्ञान के अस्तित्व में आए ही नहीं, तो उसमें वो ठीक हैं और वो अठीक हैं, ये कहां से होगे ज्ञानी को? और अज्ञानी अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता और अपने ज्ञान स्वभाव से अजान नियम से ज्ञेय रूप अपने को मानता है। नियम से ज्ञानी अपने को ज्ञान स्वरूप जानता और मानता है, और अज्ञानी अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता और मानता होने से नियम से अपने को ज्ञेय रूप मानता है। जब ज्ञेय रूप मानता है अपने को, तो किसी ज्ञेय में ठीक बना और किसी ज्ञेय में अठीक बना वह मानता है। इसका नाम दर्शन में मिथ्या तो है, ये दर्शन में संसार है। जो यहां जाकर के स्थिति ये है, राग के होने से मिथ्या तो नहीं होता, राग तो भूमिका अनुसार सम्यक दृष्टि को भी होता है। और बाद में तो गुरुदेव ने कहा भूमिका अनुसार चतुर्थ गुणस्थान भक्ति को भी अशुभ भाव भी होता है। अशुभ भाव और शुभ भाव एक बाजू का संसार है, लेकिन संसार कब है कि जब उसमें एक को ठीक मानता है और एक को अठीक मानता है। लेकिन ज्ञानी शुभाशुभ भावों को भूमिका अनुसार अवस्था में होते हैं, उनको जानता है, लेकिन अपने में मानता नहीं है। ये मूलभूत अंतर है। यहां जाकर के होता है ज्ञान के अंदर भेद ज्ञान, यहां आकर के भेद ज्ञान होता है। जब ज्ञान में ज्ञान ज्ञात होता है, ज्ञान में ज्ञान ज्ञात होता है, तब ये ज्ञात होता है कि ये जो पर द्रव्य जानने में आते हैं, वह जानने वाला मैं हूं, मैं ये पदार्थ रूप नहीं हूं। इसलिए ज्ञानी को ज्ञे में दुविधपना नहीं होता है, और अज्ञानी को नियम से राग और द्वेष होता है। ये चर्चा हमने यहाँ पर मतलब ये है कि थी कि मूल में बात कहाँ है, कहाँ पर हम कहाँ रुके हुए हैं, और जो
अज्ञानता है, मिथ्या भाव है, विपरीतता है, वो कहां जाकर के है। पॉइंट 7 में आया, जैसे मान करके चलो किडनी में पथरी है, बस एक उदाहरण देख करके विराम लेंगे अपन, दूसरे कार्यक्रम भी हैं। किडनी में क्या है, कहां है पथरी, किडनी में है पथरी, बराबर समझ में आ गया। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो श्यामलाल जी, मैं जो पर्चा लिखता हूं आप अल्ट्रासाउंड वाले के यहाँ आ जाना मेरा, आप उसको पर्चा देना, और फिर मतलब ये है कि वो फिर आप मेरे को अल्ट्रासाउंड ला करके दिखाना, फिर अपन ऑपरेशन मतलब ये है कि करेंगे। तो वो श्यामलाल जो थे वो गांव के थे, होशियार लोग होते हैं गांव के, घबराने बुराना मानना मेरी बात का, बहुत होशियार होते हैं, शहर वालों से भी बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, ख्याल में आया। तो उन्होंने लला डॉक्टर कितने रुपया मांग रहा है ऑपरेशन के, कि दादा कह रो कि लगभग 30,000 रुपया लग जाएंगे, 30,000 रुपया लग जाएंगे, ये पथरी निकालने के 30,000 रुपया लग जाएंगे। लला तू मेरे को अल्ट्रासाउंड दिखाइयो, तो वो अल्ट्रासाउंड हुआ, और अल्ट्रासाउंड लला समझ गए ना, अपने बेटे को बोला लला। तो वो जो डॉक्टर होता ना अल्ट्रासाउंड वाला, डॉक्टर साहब कहाँ है हमारे, और है वो ऐसा उसमें एक गोला लगा देता है, जे रही ख्याल में आया, और फिर एक रिपोर्ट तैयार करता है, और रिपोर्ट में दो प्रकार की पथरी होती है, और उसमें फिर वो उसका साइज लिखता है इतने मिलीमीटर की है। पॉइंट समझ में आ गया। तो वो गांव वाला बहुत होशियार था, तो बोला कि जो डॉक्टर थे ना एक्सरे वाले अल्ट्रासाउंड वाले, उन्होंने कही रिपोर्ट का आई डाक्सा मोकू तो बताओ कि दद्दा ऐसा है, देखो तुम्हारे बेटा के देखो ये दिख रही है तुमको काला काला स्पॉट, कि हाँ हाँ दिख रहा है, ये ही पथरी है, कि कितनी बड़ी है, कि सब दिख रही है मुझे कि कितनी बड़ी है, बराबर समझ में आया। उसने क्या करा, अल्ट्रासाउंड लिया, और अल्ट्रासाउंड लेकर जितने हिस्से में पथरी थी उतने हिस्से में ब्लेड चढ़ा दिया। नहीं समझ में आपके आया, क्या आया समझ में, वो अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड उसमें पथरी दिख रही थी काय में, किडनी में, वो कैसी थी, ब्लैक, बराबर है। तो उसने क्या करा श्यामलाल ने, चतुर आदमी था, उसने ब्लेड मंगवाया कि देख लला जे तेरी पथरी निकल गई, समझ गया कि हो गया, कितने रुपए बचा लिए उसने, 30,000। मैं आपसे पूछता हूं उसकी वाकई में पथरी निकल गई क्या, नहीं निकली, कब निकलेगी बताओ पथरी, जब ऑपरेशन होगा। हम क्या कर रहे हैं, बस यहीं पढ़कर लिखा पढ़ी कर रहे हैं, और यहीं पर पथरी निकाल दी, यहीं पर अज्ञान निकाल दिया, मिथ्या दर्शन निकाल दिया, ये सब यहीं पर ही सब हो गया, सा हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अरे पता नहीं भैया तेरे को भेद विज्ञान कहा सिद्धा, अरे सिद्ध दशा भी भेद विज्ञान से होती है, और भेद विज्ञान के अभाव में क्या है, वद्धा, बंधा हुआ है। ये जो सब ऊपर ऊपर के लेवल से सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है, वहां उस डेप्थ तक जाना पड़ेगा जहां ज्ञान ज्ञान में बसा हुआ है, वो वर्तमान की ज्ञान की पर्याय, उसके अंदर सामान्य द्रव्य ज्ञायक विराजमान है, समस्त पर्याय को गौण करके, उसको अत्यंत गौण करके, इस हद का गौण करके कि पर्याय है ही नहीं, मात्र द्रव्य को जब देखता है तब वह दृष्टि द्रव्य की होती है, और उसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं, और उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा हम सबको भी प्राप्त हो इस मंगल भावना के साथ।